नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है बहुत ही भव्य अयोध्या में रामलीला होने वाली है, क्योंकि इस बार हमारे रामलला सरकार जी जो है अपने मंदिर में आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। तो इस बार आप लोग को भी जिज्ञासा होगी कि इस बार कौन कलाकार है, कौन से ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं, कौन से ऐसे सितारे हैं जो कि इस बार आपको अयोध्या के रामलला में दिखेंगे। तो आइए उसके बारे में आपको बताते हैं, और एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चलिए बताते हैं आपको क्या है। अयोध्या की रामलीला जो शुरू हो रही है वो 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का शुरू हो रही है, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर लाइव प्रसारण जो है आपको दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा। आपको बता देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कलाकारों के नाम भी आ रहे हैं, हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप बता देते हैं कि वेदमती जो माता होती हैं उनका रोल कौन निभा रहा है। तो जो है हिंदी फिल्म की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, मैंने प्यार किया की अभिनेत्री जो है भाक्षी जी जो है वो अब की बार अयोध्या की रामलीला में वेदमती माता जी का जो है किरदार निभा रहे हैं। जैसे देख सकते हैं इससे पहले उन्होंने सीता माता का किरदार निभाया था। आपको बता देते हैं इसके बाद राम जी को लेकर के बहुत अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कौन राम जी कौन बनने वाला है। बहुत लोग सोनडगर जी को कह रहे थे बनने के लिए, बहुत लोग कोई और नाम ले रहे थे, लेकिन इस बार विशाल नायक जी जो है वो बन रहे हैं। विशाल नायक जी आपको बता देते हैं, विशाल नायक जी देखिए इधर फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो है। और आपको बता दीजिए सीता माता के रोल में इस बार जो है सीता माता के रूप में इस बार हेमा मालिनी जी को रखा गया है, और ये बहुत ही अलग होगा क्योंकि इतने एज में आने के बाद देखें किस प्रकार उनका अभिनय होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा इस बार होने वाला है। इसके बता देते हैं आपको शंकर जी के रोल में कौन है। शंकर जी के रोल में जो पहले हनुमान जी का रोल करते थे दारा सिंह जी के जो बेटे हैं बिंदु दारा सिंह जी, वो इस बार जो है शंकर जी के रोल में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और सीता माता के रोल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हेमा मालिनी जी बनी हुई हैं। इसके अलावा दशरथ जी के रोल में जो है राजा मुराद, जो कि बहुत ही पुराने भोजपुरी कलाकार भी हैं, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ जो आती हैं उस पर भी काम किया है, तो राजा मुराद जी जो है वो है। जनक जी के रोल में जो है राकेश बेदी जी जो है जनक जी के रोल में हैं। इसके आपको बता दें रावण के रोल में मनीष शर्मा जी ने आपने पहले उनको कुंभकर्ण के रूप में और अही रावण के रूप में देखा था, तो वो अब की बार जो है मनीष शर्मा जी जो है वो कर रहे हैं अब की रावण का रोल, ठीक है। इसके अलावा बता दिया जाए कि पिछली बार की तुलना में इस बार अयोध्या की रामलीला जो है उसमें 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बैठने की सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। 36 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस बार आए, क्योंकि इस बार बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमारे रामलला सरकार जी भी जो है अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो उस बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये जो कि बनाया जा रहा है, इसलिए 36 करोड़ लोगों को यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई, जिसका लाइव प्रसारण आपके आपके सामने दूरदर्शन पर किया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि लक्ष्मण जी के रोल में वेद सागर जी जो है उनका इस्तेमाल, मतलब उनको बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताते हैं हनुमान जी के रोल में वरुण सागर जी जो है ये हैं। भोजपुरी कलाकार भी यहाँ पे आ रहे हैं। कहा इस बार ये जा रहा है कि सुपरस्टार पवन सिंह जी का जो है कुछ ना कुछ वहाँ पर रोल रखा जा रहा है। बाकी रवि किशन जी और इसके अलावा जो है दिनेश यादव जी, यानी कि आपके निरहुआ जी, वो भी यहाँ पे इस बार अपने रहेंगे। खेसारी लाल यादव जी का भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कई सारी भोजपुरी अभिनेत्रियों को भी इस बार यहाँ पर जो है अयोध्या की रामलीला में बुलाया जा रहा है, जिसमें अक्षरा सिंह जी का भी नाम आ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आती जा रही हैं। अब कितनी सच्चाई इसमें क्या है नहीं है, ये नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं। आप देख सकते हैं पवन सिंह जी का बहुत मन था इस बार अयोध्या की रामलीला में परफॉर्मेंस देने का, तो उनको बुलाया जा रहा है। इसके अलावा मनोज तिवारी जी तो हमेशा ही केवट का रोल और बाकी रोल यहाँ पे अदा करते हैं, अंगद का रोल उन्होंने अदा किया था, तो इस प्रकार चीज़ें वो करते हैं। तो आपको बता देते हैं सबसे इंटरेस्टिंग इस बार होने वाला है कि हेमा मालिनी जी जब सीता माता का रोल करेंगी तो किस प्रकार वो कितना अच्छा वो करेंगी। और हनुमान जी के रोल में वरुण सागर जी को मैंने बताया है, पहले ये दारा सिंह जी बनते थे यहाँ पे, और देख सकते हैं आप ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने आपको कलाकारों की फ़ोटो भी दिखा दी है कौन कौन क्या क्या बनने वाला है, और इसका इंटरव्यू भी आपके लाइव चैनल पर आता रहता है, तो आप देखिएगा ज़रूर। टाइम याद रखिएगा कि 1 से 12 अक्टूबर तक रहता है टाइम जो है, हम उस दिन पहले प्रसारण कर देंगे, लेकिन लगभग 7 बजे शुरू हो जाती है रामलीला, तो आप 7 बजे से यहाँ पे प्रसारण शुरू हो जाता है, उसका देख सकते हैं आप आराम से वहाँ जा करके। और बहुत ही भव्य इस बार रामलीला होने वाली है, तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कि आप सब क्या चाहते हैं, सीता माता के रोल में हेमा मालिनी किस तरह लगनी चाहिए, या किसी और को आप चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।